मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, अपने जो बीए पार्ट फर्स्ट और हिंदी साहित्य में जो पुस्तक चल रही थी उसका नाम था कहानी चेंज का, ठीक है। और उस पुस्तक की मैंने एक कहानी आपको बता दी है, पढ़ा दी है या करवा दी है। उस कहानी का नाम था उसने कहा था, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। अब आज जो अपन अध्ययन करेंगे वो कहानी दूसरी कहानी है, जिसका नाम क्या है, पाजे, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। ये जैनेन्द्र कुमार के बारे में अगर चर्चा करें तो 1905 अलीगढ़ कोड़ियागंज में इनका जन्म हुआ था। अब अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और ये सबसे ज़्यादा अगर इंस्पायर या प्रेरित रहे तो वो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के भी दो अस्त्र ऐसे थे, अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य को आधार बनाकर ही इन्होंने काव्य का निर्माण किया। इनके काव्य में सत्य का उपदेश, अहिंसा, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के मन की पीड़ा, किसी के मन के अंतर्द्वंद आदि को ही इन्होंने अपनी रचना में किया, प्रकट किया है, ठीक है। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें बालकों के मन में चलने वाले जो विचार है उन विचारों को हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, उसी पर आधारित ये कहानी है, जिसका नाम क्या है, पाजे, ठीक है। चलो, ये बाल, अब थोड़ा और बता देता हूँ इसमें क्या है कि बाल मनोविज्ञान पर, ये कहानी किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान। तो ये कहानी जो है ना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, पाजे। अब उसके लेखक परिचय की बात हो रही थी, 1989 में करीब इनका देहांत हो जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी थी, उन कहानियों में जैसे क्या हो गया, फांसी हो गई, और इसके अलावा नीलम देश की राजकन्या हो गई, जहानवी हो गई, ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रसिद्ध कहानियों में आती है, जो जैनेन्द्र कुमार ने क्या की थी, लिखी थी। अब आज की जो कहानी है वो है पाजे। ये पाजे जो कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान समझो क्या है, मन का विज्ञान, अर्थात किसी व्यक्ति के मन में चलने वाले जो विचार है, द्वंद्व है, जो कुंठाएं है, जो पीड़ाएं है, उनको प्रकट करना या उनको जान लेना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और अगर ये बाल लग जाए पहले तो बालकों के मनो, अर्थात बालकों के अगर मन की बातें जान ले जिसके माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। तो यहाँ पर देखो कहानी कैसे स्टार्ट होती है। इस कहानी में ये बताया है लेखक और पात्रों की भी बात कर लेते हैं, लगे आती पात्र भी देख लीजिए इसमें क्या है। पात्र है एक मुन्नी, 4 वर्ष की बालिका है। ये पहला पात्र हो गया। ये दूसरा आशू या आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष शब्द का मतलब ही क्या होता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इस शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। आशुतोष इसमें पात्र है, जो किसका भाई है, मुन्नी का भाई है, मुन्नी का बड़ा भाई। कितने साल का है, 8 साल। तीसरा पात्र ले सकते हैं लेखक, तो खुद लेखक स्वयं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। चौथा पात्र अगर लेंगे तो लेखक की पत्नी, की पत्नी। पांचवा अगर पात्र लेंगे तो कौन आ जाएगा, बंसी, बंसी नाम का एक क्या है, नौकर है लेखक के घर में, नौकर, ठीक है। छठा पात्र ले
तो क्या आ जाता है? छुन्नू, छुन्नू, ठीक है। ये छुन्नू कौन है? ये छुन्नू आशुतोष का, आशु का मित्र, आशु का मित्र, ठीक है। इस प्रकार से एक पात्र हो जाता है, कौन है? बुआ। किसकी बुआ? आशुतोष की। और बहन किसकी? लेखक की बहन है उसकी बुआ। अब ये कहानी कैसे प्रारंभ होती है देखिए। लेखक लिखते हैं इस कहानी में कि आज बाजार में एक नई किस्म की पाजेब चली है जो दिखने में बड़ी सुंदर है। उस पाजेब में जो कड़िया है, छोटी छोटी कड़िया है, वो उस पाजेब को और ही क्या बना देती है, आकर्षक या सुंदर बना देती है। इसमें क्या है, जो भी महिला या जो भी लड़की उस सुंदर से पाजेब को अपने पाँव में डालती है, उसके पाँव को वो पाजेब क्या बना देती है, सुंदर बना देती है। तभी तभी जो लेखक है, लेखक के पास कौन, उसकी 4 वर्ष की बेटी मुन्नी दौड़ करके आती है कि पापा पापा मेरे को भी क्या चाहिए, पाजेब चाहिए। क्योंकि कि बेटी को पाजेब से क्या काम है, किस लिए चाहिए पाजेब, कि पाजेब मेरे को भी चाहिए पहनने के लिए, कि मेरी सभी सहेलियों के पास पाजेब है, शीला के पास भी है, रुक्मिन के पास भी है। उसने मुन्नी ने अपनी 2 सहेलियों के नाम भी बताए कि रुक्मिन और शीला के पास पाजेब है, वैसी वाली ही पाजेब मुझे भी पापा जी आप दिला दीजिए। तब भाई लाडली थी मुन्नी, तो लाडली की इच्छा पूरी नहीं करे पिताजी, ऐसा तो होता ही नहीं। तो मुन्नी को क्या बोलते पिताजी, क्यों नहीं आपको भी वैसी ही पाजेब दिलवा देंगे जैसे किसने पहन रखी है, रुक्मिन ने और शीला ने पहन रखी है। बस तब वो कहती है कि नहीं, कुछ दिनों बाद दिला देते हैं। लेखक ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं हमें तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए। तब लेखक कहता है कि बेटा अभी दिलवा देते हैं, ठीक है। तब कहते हैं कि इतवार के दिन या रविवार के दिन आपकी बुआ जी आएगी, वो पाजेब लेकर आ जाएगी। तब मुन्नी कैसे तैसे करके वो 1-2 दिन तो निकाल देती है और इतवार के दिन का क्या करती है, इंतजार करती है। अब बुआ जी है ना, मुन्नी की बुआ जी है ना, वो इतवार के दिन आती है, ठीक है। इतवार के दिन आती है, साथ में क्या वो छोटी छोटी लड़ी वाली या झालर वाली क्या लेके आती है, पाजेब लेके आती है। किसके लिए लेके आती है, मुन्नी के लिए लेके आती है, ठीक है। मुन्नी उस पाजेब को देख करके इतनी ज्यादा प्रसन्न होती है कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, बहुत ज्यादा खुश होती है। मुन्नी को प्रसन्न देख करके सारे घर वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी में किनकी खुशी होती है, माता पिता की खुशी होती है। तो मुन्नी इतनी खुशी थी कि उस पाजेब को पहन करके वो अपने आसपास के लोगों को और अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए जाती है, ठीक है। इस काम में, अपनी सहेलियों को पाजेब दिखाने के काम में मुन्नी की सहायता कौन करता है, उसका बड़ा भाई जिसका नाम क्या था, आशुतोष। आशुतोष भी मुन्नी को लेकर के पड़ोस की औरतों को और मुन्नी की सहेलियों को पाजेब दिखाने के लिए चला जाता है, ठीक है। तब सभी आस पड़ोस के लोग मुन्नी की सुंदर सी पाजेब को देख करके और उसके पाँव में बड़ी सुंदर लग रही थी उसकी सुंदरता को देख करके उसको आशीर्वाद देते और भलैया लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं मुन्नी को। अब इतनी देर तक तो जो आशुतोष 8 साल का जो मुन्नी का बड़ा भाई था, वो मुन्नी की साथ था, क्या दिखाने में, पाजेब दिखाने में। अब जैसे ही वो घर पे आया, तो घर पे आने के बाद में ठुनकने लगता है या रोने लगता है, ठीक ना, जिद करने लगता है। इससे पहले तो पाजेब घर में आने पर आशुतोष को भी क्या हो रहा था, गौरव हो रहा था, अच्छा लग रहा था कि मेरी बहन के लिए क्या आई पाजेब। लेकिन अब पाजेब दिखा करके जैसे आशुतोष अपनी बहन के साथ वापस घर पे आता है, तो जिद करने लगता है, ठुनकने लगता है कि बोले बहन के लिए पाजेब लाए हो तो मेरे लिए भी 2 साइकिल लेके आओगे, मेरे लिए भी क्या लेके आओगे, साइकिल लेके आओगे। अब बुआ समझाती है, अरे तू क्यों रोता है भाई, तू कोई लड़की थोड़ी ना है,
मुन्नी तो लड़की है इसलिए मुन्नी के लिए पाजेब लाई गई है, तू कोई लड़की थोड़ी ने जो तू पाजेब के लिए ठुनक रहा है या जिद कर रहा है कि नहीं इसके लिए पाजेब आ गई तो मेरे लिए भी क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। कि बोले क्या आना चाहिए, कि बोले बाईसाइकिल चाहिए या साइकिल चाहिए मुझे। तब बुआ जी कहते हैं कि अभी तो रोना कर बंद, और अगला जो जन्मदिन आने वाला है ना तेरा, उस जन्मदिन पर मैं तुझे क्या ला दूंगी, एक बाईस साइकिल ला दूंगी या साइकिल ला दूंगी, लेकिन अभी रोना बंद कर, अच्छे बच्चे रोना हाँ रोना रोते नहीं है, ठीक है। तो बुआ के ये वादा करने पर कि आने वाले जन्मदिन पर मैं तुम्हें भी आशुतोष क्या दिला दूंगी, एक साइकिल दिला दूंगी, ये सुन करके आशुतोष क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। सब बुआ जी भी अपने घर चली जाती है, ठीक है ना। और अब शाम हो जाती है, शाम होने पर क्या होता है कि जो ये मुन्नी होती है वो मुन्नी भी अपने पाजेब को उतार करके क्या रख देती है, ठीक है। अब लेखिका क्या होता है, जब लेखक बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं तब लेखिका आती है कुछ ढूंढती हुई, कि बोले पूछती है पहले तो कि आपने कहीं मुन्नी की पाजेब देखी है क्या। तब लेखक प्रथम दृष्टि में तो ऐसे बोल देते हैं कि यही कहीं होगी, घर घर में होगी, कहीं जाने वाले तो है नहीं, आप देख लीजिए ध्यान से। तो वो लेखिका ढूंढ रही होती है और लेखक ये कहते थे यही पे होगी देखो, तब परेशान हो जाती है वो कि मेरे को नहीं मिल रही, मैंने दोनों तीनों कमरों में भी ढूंढ ली है, मैंने जहाँ पे रखी थी वहीं पे देख लिया है लेकिन नहीं मिल रही है। फिर बोले कहीं स्टूल के नीचे या मेज के नीचे पड़ी होगी या दराज में होगी, कहीं देखो अच्छी तरीके से। फिर वो बोलती है लेखिका लेखक से कि नहीं मिल रही। तब लेखक को भी क्या होने लगती है, चिंता, और वो भी उठ करके उस पाजेब को ढूंढवाने में, पाजेब को ढूंढने में किसकी सहायता करते हैं, पत्नी की या लेखिका की सहायता कौन करते हैं, लेखक करते हैं, दोनों मिलकर के ढूंढते हैं। अब चिंता की रेखा है दोनों के मस्तक पे कि एक तो थी एक पाजेब क्या नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, कि मैंने यही पे रखी थी वो पाजेब मिल नहीं रही। अब पाजेब भी काहे की थी, चांदी की थी, इसलिए चिंता तो होनी ही होनी थी। तो चांदी की पाजेब थी जो एक नहीं मिल रही थी, चिंता बढ़ गई उनकी पति पत्नी की, लेखक और लेखिका की, ठीक है। अब वो कहते, अब लेखिका कहते हैं मैंने यही पे तो रखी थी, लेखक को आ जाता है गुस्सा कि जहां पे रखी थी वैसे उठा लो ना, वहीं पे है तो, अब वहां पर हो तो मिले ना, तो नहीं मिल रही थी उसको, ठीक है। तब लेखिका बड़बड़ाती हुई कहते हैं कि आप अजी आप बंसी से क्यों नहीं पूछते जो घर का क्या है नौकर, आज के जो नौकर होते हैं वो छठे छठाए क्या होते हैं, बदमाश होते हैं, हो सकता है कि चांदी की पाजेब है भाई बंसी ले ले, या बंसी ने क्या रख ली हो या चुरा ली हो। तो वो कहते लेखिका कहती है ये बात किससे, लेखक से, कि बंसी नौकर ने ली होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बंसी ऐसा नहीं कर सकता। लेखक बोलता है कि आजकल के नौकरों का कोई पता नहीं, कोई विश्वास नहीं है, इसलिए आप उनसे क्या कर लीजिए, बंसी से पूछ लीजिए, ठीक है, छठे हुए बदमाश होते अव्वल दर्जे के, ठीक है। मुझे तो कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि ये पाजेब किसने चुराई है, बंसी ने चुराई है, ये बात कौन बोल रही है, पत्नी बोल रही है किससे, पति से। तब लेखक बंसी से पूछता है कि बंसी तूने कहीं पाजेब देखी है क्या, मुन्नी की एक पाजेब नहीं मिल रही। तब बंसी मना कर देता है कि मैंने पाजेब नहीं देखी। तब पत्नी पति से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर हो ना हो ये पाजेब किसने चुराई है, बंसी ने ही चुराई है, आप नौकरों को जानते नहीं हो, ठीक है। तब दोनों ढूंढ ढांड करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन पाजेब क्या होती है, मिलती नहीं है। अब भाई साहब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, पाजेब ढूंढने का एक कार्यक्रम जारी हो गया, पति पत्नी सब मिलकर के क्या अब पाजेब को ढूंढने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। घूम फिर करके नौकर से पूछा, आस पड़ोस में पूछा, कमरों में देखा, मेज के ऊपर देखा, दराजों में देखा, और इसके अलावा घर के सभी कोनों में देखा, तो पाजेब नहीं मिली। तो
तो लास्ट घूम घाम करके पाजेब घूमने का शक किसके ऊपर जाता है या पाजेब गायब होने का शक किस पे जाता है? उस घर में जो 8 साल का बच्चा था आशुतोष, उसके ऊपर पाजेब का शक चला जाता है। अब श्रीमती जी कहती है कि मैंने आशुतोष के हाथ में कल पतंग और डोर का पिन्ना देखा था, यानी डोर का गट्टा देखा था। कल पतंग उड़ा रहे थे आशुतोष और कौन, छुन्नू, दोनों। तब लेखक कहते हैं क्या ये डोर और पतंग खरीदने के लिए आशुतोष तुमसे पैसे लेके गए थे क्या? कि लेखिका बोलती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं लेके गया। इस कारण से ये संदेह घर वालों को किस पर हो जाता है, पाजेब चोरी का संदेह किस पे हो जाता है, आशुतोष पे हो जाता है कि भाई पतंग और डोर का पिन्ना या डोर का गट्टा उसके पास कहाँ से आया। ठीक है, अब आशुतोष को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि बोल भाई आशुतोष, आपको पता है कि आपके बहन के लिए जो बुआ जी चांदी की पाजेब लेके आई थी उसमें से एक पाजेब बेटा खो गई है। लेखक पूछ रहा है बेटा एक खो गई है, अगर तेरे को कहीं पड़ी मिली हो तो हमें बता दे या हमें दे दे। तब वो लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे पास नहीं, मैंने नहीं देखी। ठीक है, तब फिर लेखक बोलता है कि चलो यही बता दो, आपके पास जो पतंग और डोर के लिए जो पैसे आए थे वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए? बोले वो डोर और पतंग तो छुन्नू ने दिया था मेरे को। किसने दिया था? छुन्नू ने, मेरे मित्र ने। तो बोले छुन्नू के पास पैसे कहाँ से आए डोर और पतंग खरीदने के लिए? ठीक है, तब बोले कुछ नहीं बोलता बाबा। तब बालक के चेहरे पर बल पड़ते थे। घर वाले लेखक जब उससे पूछता कि ये बता कि पाजेब तूने देखी है, बोले नहीं देखी। बोले ये पाजेब तूने नहीं देखी तो ये बता दे डोर और पतंग खरीदा कहाँ से तूने, उसके पैसे कहाँ से आए? ठीक है, तो वो बोलता है कि छुन्नू ने दिया था। कि बोले छुन्नू के पास पैसे कहाँ से आए? छुन्नू के पास है ना, वो कुछ नहीं बोलता बच्चा, घर वाले आप उसको डराते धमकाते। तो बच्चे के मन में तरह तरह के क्या चलने लगते हैं, भाव चढ़ने लगते हैं। बच्चा जैसे जैसे घर वालों से सवाल जवाब पूछते हैं तो बच्चा क्या करता, डर जाता है और उसके चेहरे पर अनेक प्रकार के भाव आते जाते हैं। अब बच्चा डर के कारण अब उसके मन में द्वंद्व उठने लगा है, मन में विचार उठने लगे, क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो बच्चे के मन में क्या क्या विचार आते हैं उसी का तो यहाँ पर पारकट्यकरण है। ठीक है, आगे देखो, बोले जरूर हो ना हो तुमने है ना, तुमने और छुन्नू ने पाजेब चोरी की है और उस पाजेब को बेच करके तुमने क्या पतंग और क्या खरीदा है, ये डोर का गट्टा खरीदा है। ठीक है, तब बच्चे को डराते लेखक कहते कि सही सही बता दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तूने चोरी की है, या ये बता दे कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, पतंग डोर से कहाँ से आए। ठीक है, अब वो डर के मारे बच्चा क्या करता, खुद अपना बचाव करने के लिए कहता है कि घरवाले पूछते हैं उससे क्या ये बता दे चल तूने तो नहीं चोरी ने, छुन्नू ने चोरी होगी। तो ये क्या है, प्रेशर दे करके दबाव बढ़ा करके लड़के से पूछा जा रहा था लेखक के द्वारा कि भाई तूने नहीं चोरी है तो छुन्नू ने चोरी होगी, तभी तुम्हारे पास डोर और पतंग आई उसको बेच करके, पाजेब को बेच करके। तब लड़का क्या करता है, हाँ भर देता है। फिर लेखक कहते हैं कि देखो मेरा राजा बेटा है, इसने सही सही बता दिया, राजा बेटा है कि इसने सही सही बता दिया कि छुन्नू ने चोरी है। अब बेटा ये भी बताओ कि छुन्नू ने पाजेब चोरी है तो उसने बेचा किसको है,
पतंग डोर वाले को बेचा होगा, नुक्कड़ पर जो पतंग की दुकान कर रखा है उसको बेचा होगा उसने, तब वो डर के मारे बच्चा झूठी मूठी क्या कर देता है, हाँ कर देता है, उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। कितने में बेचा? 10 आने में बेचा। कितने आने में बेचा? 10 आने में बेचा, 5 आने में। लेखक ही बोल रहा है ये 10 आने में बेचा, 5 आने में बेचा। तो लेखक बोलता है 10 आने में बेचा होगा, वो हाँ कर देता है, हाँ पे हाँ किए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, ठीक है। तब लेखक को शक हो जाता है कि वास्तव में इनके पास जो पतंग डोर आई थी ना, वो पाजे को बेच के ही आई थी। तब वो क्या करता है कि चल एक काम कर, मेरा राजा बेटा है, समझदार है, आपकी बहन की पाजेब थी, तो जा छुन्नू से जा, और छुन्नू से जा करके हैं पाजेब लिया। तब छुन्नू डर के मारे तो बोल दिया हाँ हाँ, लेकिन पिताजी ये बोलते कि जा बेटा जो पाजेब जा करके किससे लिया, छुन्नू से लिया, छुन्नू। अब छुन्नू का छुन्नू से पाजेब लाने की बात सुन करके जो आशुतोष है वो क्या कहता है कि छुन्नू के पास होगी तो देगा ना, छुन्नू के पास होगी तो देगा ना। 8 साल का बच्चा था, अनेक मन में क्या उठ रहे थे, विचार उठ रहे थे। लास्ट में पहले तो झूठ बोलता जा रहा था, भाई हाँ उसी ने लिए, उसको बेच दिए और उससे क्या डोर और पतंग ले लिए। अब वो कहते हैं कि जा उससे छुन्नू से जा करके लिया, तो लेने की बात कहता है, तो क्या क्या कहता है आशुतोष कि उसके पास होगी तब देगा ना। तब पापा जी को गुस्सा आता है कि अभी तो आप ये बोल रहे थे कि छुन्नू ने बेची है, छुन्नू के पास ही थी वो पाजे, पतंग वालों की बेच दी। हाँ ना हाँ ना, हमें भी हाँ भी करता है, छुन्नू के पास है और छुन्नू के पास नहीं है ये भी कहता है। तो ये बात देख करके एक बार वो हाँ कहता है भाई छुन्नू के पास है, एक बार ये कहता है कि छुन्नू के पास नहीं है। ये देख करके लेखक को आता है गुस्सा और वो किसके दो चाटे रख देता है, आशुतोष के। आशुतोष अब और ज़्यादा उदास हो जाता है, उसके मन में भी अनेक प्रकार के क्या उठने लगते हैं, भाव उठने लगते हैं और निराशा छा जाती है, उदास हो जाता है, रुआसा सा हो जाता है। अब पहले बोल तो रहा था, बोलना ही बंद कर दिया, ठीक है। ऑफिस चले जाते हैं ये कह करके कि आज इसको शाम को खाना मत देना, जब तक ये सही सही नहीं बताए कि पाजेब किसके पास है और कौन लेके गया था। शाम को आते हैं, शाम को आने के बाद भी आशुतोष से आते ही पिता लेखक पूछते कि क्या हुआ नवाब, आपकी जो उदासी है वो हटी नहीं। तब आते ही उसको प्यार, लेखक ये समझ जाता है कि बच्चों को अगर पीटेंगे कपन तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बिगड़े जाएंगे, शायद मेरे लाड और प्यार की जरूरत किसको है, आशुतोष को, मुझे बच्चे को डराना धमकाना नहीं चाहिए, मुझे उसे पीटना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को प्यार और प्रेम से मुझे पूछना चाहिए, शायद हो सकता है कि वो प्यार और प्रेम के वश में आकर के सही सही बता दे। लेखक ने प्यार और प्रेम से पूछा, पूछने पर भी जो आशुतोष है वो भ्रमित होकर के नहीं बता पाता, कभी हाँ कहता है कभी ना कहता है। इस प्रकार से गुस्सा आने पर लेखक ने उसको काय में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया और बंसी नौकर को आवाज़ देता है कि बंसी उसको मत खोलना कमरे को तब तक जब तक ये सही सही पाजब के बारे में नहीं बताए। लड़का अब कमरे में पड़ा था एक साइड, और जब 2 घंटे बाद में कमरे का दरवाज़ा खोला गया, बंसी जा कर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखता है कि जो बच्चा कमरे में बंद कर दिया गया था आशुतोष, वो पड़ा था लेकिन उसके आंसू नहीं थे, बुरा लग रहा था उसको बुरा लग रहा था, ठीक है। अब उसको लाया जाता है और ला करके पूछा जाता है, फिर भी नहीं बताते तो लेखक अपने भाई पवन से कहता है कि जा आशुतोष तू अपने चाचा के साथ जा, और जिस दुकान पर तूने ये चांदी की पाजेब बेची है ना,
उस दुकान वाले से जा करके तू वापस क्या ले ले, अपनी पाजेब ले ले, बाकी के जो पैसे दिए थे वो वापस दे दे, अपनी चीज अपने घर में आ जाएगी, छुड़वा लेंगे वो। ठीक है, अब लेखक ने तो कह दिया कि जा अपने काका के साथ चले जा या चाचा के साथ चले जा, चाचा साथ में चला जाएगा दुकान पे जहाँ पर तूने की पतंग डोर के लिए क्या दी थी, पाजेब दी थी। ठीक है, चाचा को बुलाया जाता है, लेकिन जो है आशुतोष वो जाने के लिए क्या नहीं होता, तैयार है नहीं होता कि बोले, फिर बोलता है कि बोले उसके पास होगी तो देगा ना, किसके पास, दुकान वाले के पास होगी तो देगा ना। ये बात सुन करके भी क्या हो जाता है, फिर लेखक परेशान हो जाता है, तब वो अपने भाई यानी लेखक अपने भाई को बुलाते हैं और डांट करके कहते कि जो मोहल्ले में पतंगों की दोनों तीनों किनारे पे दुकानें हैं उनके पास जाओ और जा करके उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, धमकी दे करके पूछना कि बच्चों को पतंग डोर के लिए बच्चों से आपने क्या ले लिए, पाजेब ले लिए। अगर ऐसा भ्रम हो या ऐसा सही ऐसा लगे तो पुलिस में देने की बात भी कहना कि पुलिस में दूंगा मैं आपको, अगर सही सही नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं दुकानदार से। ठीक है ना, अब क्या है, चाचा और भतीजा यानी आशुतोष और आशुतोष के चाचा मोहल्ले की दुकानों पे जाते हैं जहाँ पर क्या पतंगे बिकती थी। ठीक है ना, अब क्या करता है, बीच में ही जो ये आशुतोष होता है वो अपने चाचा का हाथ छुड़ा करके भाग आता है, क्योंकि उसको डर था कि भाई ये मेरे को दुकान पे लेके जाएंगे, दुकान वालों को मैंने पाजेब दी नहीं। ठीक है ना, भाग आता है, फिर क्या करते हैं वो सही तरीके से और भाई पाजेब किसके पास है, गहनता से छानबीन करने के लिए लेखक और लेखिका किसके घर जाते हैं, छुन्नू के घर जाते हैं, छुन्नू की माँ के पास जाते हैं। लेखिका कहती है कि आपके छुन्नू का नाम ले रहा है कौन, आशुतोष, आपके छुन्नू ने क्या चुराई है, पाजे। तब छुन्नू की माँ को बुरा लगता है, हाय हाय तोबा करने लगती है, हाय मेरे घर तो कुलक्षणी औलाद पैदा हो गई, चोर पैदा हो गए हम तो, अब चोरियाँ भी करने लगे हैं। ठीक है, तब लेखक कहता है कि बच्चे है, बच्चों का मामला है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका बच्चा चोर है, आप अपने बच्चे को एक बार पूछ लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों साथ ही खेलते हैं, छुन्नू भी साथ खेलता है, आशुतोष छुन्नू का नाम ले रहा है कि उसने पाजेब देखी थी, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपका छुन्नू चोर है, लेकिन पूछ लो भाई उसने पाजेब देखी थी क्या, देखिए तो कहाँ है बता दे, वैसे इतना सा पूछना। फिर वो छुन्नू की माँ क्या करती है, छुन्नू से पाजेब के बारे में पूछती है। ठीक है, पाजेब के बारे में जब नहीं बता पाता, छुन्नू बार बार यही कहता है कि मैंने पाजेब देखी नहीं है, तब किसको भी बुलाया जाता है, आशुतोष को बुलाया जाता है। फिर आशुतोष को छुन्नू के सामने खड़ा करके लेखक पूछते क्यों रे बदमाश, सही सही बोल, नहीं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तू बोल रहा था ना कि छुन्नू ने भी पाजेब देखी है। ठीक है, अब झूठ बोल देता वो आप ढके मारे, आशुतोष क्या छुन्नू की माँ के सामने झूठ बोल देता है और ये कह देता है हाँ छुन्नू ने पाजेब देखी थी और मैं और छुन्नू मिलकर ही पाजेब को बेच के आए थे, किसके, पतंग और डोर वाले। अब भाई साहब छुन्नू की माँ को आया गुस्सा, छुन्नू की माँ ने उस बच्चे को छुन्नू को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, बच्चा मार खा करके शहीद की तरह खड़ा रहा, बच्चा बड़ा था छुन्नू आशुतोष से, पीटता रहा मार खाता रहा लेकिन वीर की तरह खड़ा रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं करा। उस टाइम पर लेखक और लेखिका ने छुन्नू को छुड़ाते हुए बचाव करते हुए छुन्नू को छुड़ाया और ये कहकर के कि बच्चे है रहने दीजिए, आप उसको मारिए मत, क्या जान लोगे क्या उसको मार मार करके, पाजेब भी तो है, पाजेब बोल लेंगे, आप रहने दीजिए मत मारिए छुन्नू को, ये कहकर के वापस आ जाते हैं। एक सेकंड।